अली अमीन गंडापुर साहब ने जो अपनी तकारीर की हैं वो सीधी सीधी एक किस्म की बगावत है सिस्टम के खिलाफ। पंजाब की जो गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है उनको भी ललकारते हैं। एक पार्टी की बात की जाए तो वो कहती है नाकाम जलसा था, कंटेनर जो लगाए गए थे ज्यादातर कंटेनर्स वो ये थे कि लोग इस्लामाबाद में दाखिल ना हो। अगर अटक का पुल क्रॉस करने की बातें करें, इजाजत मिली थी इनको, चाहिए था बहुत मैच्योरिटी के साथ अपना जो नजरिया है वो आगे रखते और अपने लीडर को बाहर निकलवाने की कोशिश करते। जो रिक्वेस्ट कर रहे थे, इस्तदा कर रहे थे कि जी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुजाकरात करने, गवर्नमेंट से मैंने नहीं करने और मैंने करने हैं उनके साथ, करने हैं तो एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ करने हैं। वो जो कुर्रा निकल रहा है जिसे पंजाबी में खुरा कहते हैं, वो खुरा जिस तरफ जा रहा है। जो स्टेटमेंट आई खान साहब की और उन्होंने कहा कि मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ, कोर्ट साहब की फेवर में फैसले दे रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं करंट एनएन और मैं हूँ आपकी मेज़बान खुशबू। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एहसन ज़िया साहब मौजूद होंगे और पाकिस्तान में जो सियासत का मंजरनामा चल रहा है इस पर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तो जो गर्मा गर्मी हुई पड़ी है, एक तरफ एनओसी का देना, फिर उसके बाद इतनी रुकावटें खड़ी कर देना, फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर की तकरीर, फिर उनका गायब हो जाना, फिर मंजर यहाँ पर आ जाना और अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ, इन तमाम मामलों को कैसे देखते हैं आप? अली अमीन गंडापुर साहब ने जो अपनी तकरीर की हैं और जो अपनी ख़ास तौर पर उस दिन तकरीर की, एक तो पहले भी उन्होंने की थी, एक उन्होंने जो जलसे में तकरीर की है वो सीधी सीधी एक किस्म की बगावत है रियासत के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ। और वो एक और सूबे के वज़ीर आला भी हैं जिसमें फैज़ अमीर साहब को लेकर बात करते हैं और फ़ौज के ऊपर सारी वो चीज़ें करते हैं, दूसरी तरफ वो पॉलिटिकली पंजाब की जो गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है उनको भी ललकारते हैं। मतलब उनका एक रोल है इस तरह का जैसे मौला जट का एक रोल है, मौला जट की बड़के हैं। लेकिन अब सवाल यही पैदा होता है कि वो बड़के कहाँ पे लगा रहे हैं? वो बड़के एक ऐसे जलसे में लगा रहे हैं जिसकी इजाज़त भी इंतजामिया ने दी है तो हुआ है। एक पार्टी की बात की जाए तो वो कहती है नाकाम जलसा था, दूसरी पार्टी की बात करें तो कहते हैं हमने करके दिखाया थी रुकावटों के बावजूद। आप क्या समझते हैं कि अभी छोड़ दें कौन सी पार्टी क्या थी क्या नहीं, जलसे में लोग आए हैं, लोगों इतनी रुकावटों के बावजूद, इसके बिना पर आप क्या कहेंगे जो लोग वहाँ पहुँचे इतनी रुकावटों के बावजूद? देखें, रुकावटों के बावजूद पहली बात है कि रुकावटें कहाँ थी, कंटेनर्स, अच्छा कंटेनर्स कहाँ पे लगाए गए थे? कंटेनर्स जो लगाए गए थे ज़्यादातर कंटेनर्स वो ये थे कि लोग इस्लामाबाद में दाखिल ना हो, सिक्योरिटी जोन वाले जो एरिया जो है वहाँ पर ना दाखिल हो जाए, एक जगह के ऊपर जहाँ पर उन्होंने उन रुकावटों को जो कि उस साइड पे थी जहाँ सिक्योरिटी का उन्होंने बंद किया हुआ था उधर जाने की कोशिश की, तो वहाँ पर झगड़ा भी हुआ, आंसू गैस शेल भी हुआ। और वो जो ये कहते थे कि हम पुरअमन जलसा करेंगे, आपको पता है कि एसपी रैंक के जो लोग थे एसएसपी रैंक के वो ज़ख्मी भी हुए, वहाँ से दूसरी तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया, आंसू गैस के शेल भी हुए। अली अमीन गंडापुर साहब जो कि वज़ीर आला है उनको पता है कि क्या सिचुएशन है और उन्होंने कहा कि जी मैं आ रहा हूँ। और जाहिर बात है अगर अटक का पुल क्रॉस करने की बातें करें, पहली बात जो है कि वहाँ से क्या आपको लश्कर लेके आ रहे हैं, जलसा ही करना है? तो अगर आप बात कर रहे हैं कि जी वो पठान और ख़ान की एक रियासती जो है आप समझते हैं कि तासुब की बुनियाद के ऊपर, सूबाई असबियत के बुनियाद पर, पठान के नाम पर, ख़ान के नाम पर जो आपने सियासत शुरू की है, तो वो पंजाब तो उनसे पहले ही से भरा हुआ है, सारे लोग इधर ही हैं। मतलब पूरा पंजाब, पूरा लाहौर ये उन्हीं की जगह है, पूरा पाकिस्तान सबका है। जैसे मैं आज कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान सबका है, खैबर पख्तूनख्वा सबका है, पंजाब भी सबका है। तो वो पठानों को खान जर्नलिस्ट हैं इरशाद भट्टी, वो हमेशा से हमने उनकी देखी है कि वो प्रो पीटीआई की ज़्यादातर बात करते हैं, लेकिन उनकी एक वीलॉग में उन्होंने अपने लेटेस्ट वीलॉग में कहा कि इनकी स्पीच से इमरान खान के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो गई हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से जैसे एनओसी मिला था, इजाज़त मिली थी, इनको चाहिए था बहुत मैच्योरिटी के साथ अपना जो नज़रिया वो आगे रखते और अपने लीडर को बाहर निकलवाने की कोशिश करते, ना कि इस तरह की तकरारी करके फिर इमरान खान को जो उस इलाकों के पीछे रखते। देखिए इस बात में वजन है, वजन इसलिए है कि देखिए इससे पहले इमरान खान साहब जो हैं वो बार बार जो रिक्वेस्ट कर रहे थे, इस्तदा कर रहे थे कि जी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुजाकरात करने, गवर्नमेंट से मैंने नहीं करने और मैंने करने हैं उनके साथ, करने हैं तो एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ करने हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब अगर किसी को कह रहे हैं कि वो बाबा किसका है, फैज़ अमीर किसका बाबा है, कौन लाया, किसने किया, इस तरह की सब बातें जब आपने की हैं तो भाई जिनका वो बाबा था या जो वो लाए थे तो आज वो उसका वो कोर्ट मार्शल भी कर रहे हैं। अगर कोई गलत कदम हुआ था तो वो कोर्ट मार्शल भी कर रहे हैं, बल्कि वो उस कोर्ट मार्शल के अंदर ये भी बता रहे हैं कि भाई इसने जिस जिसका साथ लिया या साथ दिया, जो पॉलिटिकल मूवमेंट चलाई या 9 मई के वाकयात की या जेल में बैठ के जो फैसिलिटेटर थे, वो जो कुर्रा निकल रहा है जिसे पंजाबी में खुरा कहते हैं, वो खुरा जिस तरफ जा रहा है वो लीडर पीटीआई है ना सारा, ठीक है? तो वो कहते हैं कि भी अब वो जो भी इसमें शामिल होगा उसको सजा भी मिलेगी। जो स्टेटमेंट आई खान साहब की और उन्होंने कहा कि मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ, और जब सहाफ़ी ने उनसे कहा कि बहुत से लोग जो हैं आप ही की पार्टी के, वो माफ़ी मांग रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर की स्टेटमेंट से हम माफ़ी मांगते हैं, तो उन्होंने कहा ऐसे फिर लोगों को हमारी पार्टी में नहीं होना चाहिए। देखें तो इमरान खान साहब इस वक्त जिस स्टेट पर चले गए हैं,
और साथ उन्हें कह दिया कोई मुजाकरात नहीं होंगे, मेरे पहले कुछ लोग मुजाकरात कर रहे थे लेकिन अब नहीं होंगे, अब कहाँ मामला जाकर रुकेंगे? क्या होगा? पहली बात सुन लें, पहली बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो तरले मिनते कर रहे हैं, मिन्नत समाजत कर रहे हैं फौजी के मेरे साथ आके मुजाकरात को, मुजाकरात तो कोई हो ही नहीं रहे। तो वो कहते हैं मैं 5-6 लोगों को जो कह रहा था, देखिए वो तो खुद इस्तेदाद, आपने इमरान खान साहब की दरखास्तें नहीं सुनी जो उन्होंने कहा था मैं चाहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ आके मुजाकरात करें, मैं वेट कर रहा हूँ, आए कोई बंदा डिप्यूट करे, मुजाकरात तो कोई हो ही नहीं रहे, तो ख़त्म कैसे हो गए भाई? जब हो ही नहीं रहे तो वो कह रहे हैं जी मुजाकरात नहीं होंगे, भाई पहले आप ही इस्तेदा कर रहे हैं। उनके जो कारकुनान है वो कहते हैं हमारे जो लीडर हैं उन पर अब केसेस खत्म हो चुके हैं, अगर इन्होंने रिहाना किया हम तो रिहा कर देंगे। देखिए और हाँ दूसरी बात ये कि जो उसमें बुखारी है उन्होंने कहा कि जो अली अमीन गन्ना पूर्ण के 15 दिन मैं 20 दिन देती हूँ अपने लीडर को रिहा कर। सिंपल सी बात है, एक स्टेट है उसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम के मुकदमात हैं, अदालतों में केसेज हैं, अब इस तरह अगर कोई और भी केसेज हों किसी और के खिलाफ फॉर एग्जाम्पल हों तो वो उसके लोग कहें कि जी हम अगर अदालतें छोड़ेंगी नहीं तो हम आके छुड़ा लेंगे, क्योंकि लश्कर ला के छुड़ाएंगे, कैसे छुड़ाएंगे? फिर यही तो मैं पूछ रही हूँ किस तरह से छुड़ा, मैंने वही कहा ना, मुझे धमकियाँ दे रहे हैं नहीं, वो देखिए ये अब दावे भी होते हैं ना, स्टेट बैठी हुई है, उन्होंने जब ये धमकियाँ दी तो जवाब में इधर से क्या आया, इधर से राणा सलाम साहब ने कहा ठीक है फिर आए अटक का पुल क्रॉस करें, उन्होंने कहा जी फिर जो कहते हैं करके दिखाएं। अब जो आपने बातें की हैं, कल सूरत हाल आपकी ये है कि पार्लियामेंट से भी आपके बंदे उठाए गए, आपका 7 घंटे पता नहीं चला, तो कौन सी नारकी फैलेगी? भाई आपको कोई निकलने देगा तो आप करेंगे ना, कोर्ट साहब के फेवर में फैसले दे रहे हैं। अली अमीन गन्ना पूर्ण ने कहा कि इमरान रियाज खान जो है जैसे हमें सहाफ़ी बनना चाहिए, क्या अगर इस तरह के सहाफ़ी हम नहीं बनते तो फिर हम कैसे सहाफ़ी हैं? देखिए जहाँ तक इमरान रियाज साहब का है तो मैं तो उन्हें सहाफ़ी नहीं समझता, वो बिल्कुल सहाफ़ी नहीं है। पहली बात है जर्नलिस्ट कौन होता है? जर्नलिस्ट जो होता है वो किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं होता, उसका तर्जुमान नहीं होता, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि देखें सहाफ़ियों की होती है लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, आप किसी प्रोग्राम में थोड़ा सा टिल्ट कर जाते हैं, किसी खबर में टिल्ट कर सकते हैं, लेकिन जब एक जर्नलिस्ट किसी पार्टी का कारकुन बनकर उसके ट्रकों पर चढ़कर पूरी मूवमेंट चलाए तो उसको इखलाकी तौर पर चाहिए उस पार्टी का रुकन बन जाए। सर एक और स्टेटमेंट भी उन्होंने दी कि मुझे पता है कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा, तो उन्होंने ये वर्ड यूज़ किए हैं कि तुम्हारा बाप भी जो है वो खान साहब का मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकता, जिसमें हमने आज देखा कि असेंबली में किस तरह की जबान पर ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी इस्तेमाल, आपको तो अखलाकियात हमारे कहाँ चले गए? देखिए अखलाकियात तो मेरा अली इसका सामना करना चाहिए ना कि कानून को हाथ, मैं ये कह रहा हूँ तो अली अमीन गंडा साहब को ऐसी लैंग्वेज नहीं करनी चाहिए थी ना, अब उसके लिए इमरान खान साहब के लिए मिसाइल क्रिएट हुए, और अगर खान साहब इनको सपोर्ट कर रहे हैं और इस जबान को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर क्या माइंडसेट होगा? अली अमीन गंडापुर साहब इस तरह की बड़कें लगाते रहे और उसके बाद 5,000-5,000 रुपये सुबह तकसीम कर रहे थे, जिसमें अलीमा खान भी बोली बाद में साहबा के जनाब ये देखें ये इमरान खान साहब के साथ ज्यादा कर रहे हैं, इनकी लीडरशिप ही नहीं चाहती वो बाहर आए। तो देखें दावे करना बड़ी बड़ी बातें करना ये बड़ा आसान होता है, लेकिन फिर उसको भुगतना फेस करना जब आप स्टेट को धमकियाँ दे रहे हैं, रियासत को सब कुछ करें तो रियासत भी तो करेगी ना उसके। अभी तक अली अमीन गंडापुर की कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई और पिछली रात ये 7-8 घंटे गायब रहे, तो हम क्या समझें कोई इनसे इस्तीफा डिमांड किया गया या इनसे माफी का मुतालबा किया गया? इस हवाले से आज उनकी पार्टी का बयान आ गया, उनके जो पीटीआई के तर्जुमान हैं या पीटीआई के जो लोग हैं उन्होंने उसके हवाले से दिया है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वफाक के पास गए, 7 घंटे की मुलाकात थी, उसमें मोबाइल जो है बंद हो गए या वहाँ पर जैमर्स लगे हुए हैं। देखिए जारी बात है वजीर आला रोका भी जा सकता है और लेकिन वो आज बाहर आके बताए ना, फिर देखिए ना पार्लियामेंट का तकद्दस पमाल किया गया, पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए ना अपना तकद्दस करने के लिए, हमारा तो काम है इंसिडेंट को रिपोर्ट करना, ठीक है बताना। अब पार्लियामेंट जो है आपकी नजर में सही हुआ गलत हुआ? ये देखिए उसमें दो तरीके होते हैं, पुलिस अंदर जाके उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, रवायत नहीं है, लेकिन अगर स्पीकर चाहे तो पुलिस अंदर जा सकती है, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने जो अब जो बयान दिए सामने आके इसे लगता है कि उन्हें नहीं था पता या उनकी मर्जी के बगैर सब कुछ, और आज वो FIR की डिमांड कर रहे हैं। अब चूंकि उनकी मर्जी के बगैर हुआ है, उनसे नहीं पूछा गया, पार्लियामेंट में पुलिस को नहीं आना चाहिए था, अब चूंकि आ गई है तो अब उनकी जिम्मेदारी ये है कि इस इंसिडेंट के ऊपर वो फिर अब FIR कटवाएं उन पुलिस अहलकारों के खिलाफ या उन लोगों को जिन्होंने अहकाम जारी किए। अब बींग जो स्पीकर पंजाब असम्बली कौमी असम्बली उनके पास इख्तियार भी है, उनके पास बिल की बात है और वो करवा भी सकते हैं, अगर वो स्टैंड लेते हैं उन्हें लेना भी चाहिए। कौम का जो लीडर होता है कोई भी लीडर हो जब वो जलसे में तकरीर करता है तो लोग उसको सारे लोग ना भी हैं तो कुछ ऐसे ज़रूर होते हैं कि जो उसकी बात पर
और उसके रवैये को देखते हुए उसको कॉपी करते हैं और उस उन लाइंस में चलने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए लीडर्स को क्यों कहा गया है कि उसको अपनी ज़बानो बयान पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि उसके इश्तियाल अंगेजी के वाकयात हो सकता है कि किसी की जान लेने के सबब बन जाए। जब अली अमीन गंडापुर साहब, एक तो की गवर्नमेंट, आम आदमी के मिसाइल हैं महंगी बिजली, महंगाई, बेरोज़गारी, बदमनी, ये ना सब कुछ। अब मुझे ये बता दें कि पीटीआई के पूरे जलसे में कल जो उन्होंने किया या इससे पहले कहीं बिजली का जिक्र आया, कहाँ कहीं महंगाई का जिक्र आया? वो जो पार्टी क्लेम करती है खुद को सबसे बड़ी इस मुल्क की पार्टी है, तो उनके एजेंडे में कहीं आपको बिजली नज़र आ रही है? बिजली पर अगर कोई एहतजाज कर रहा है वो जमात इस्लामी करती है हमें नज़र आ रही है। वो इस्लामाबाद में उन्होंने अगर चाहे उसमें कामयाब नहीं हुए उतने, लेकिन इस आवाज़ को उठा के वो निकली वो जमात जो है, नून लीग तो जो जिम्मेदार कह सकते हैं आप, या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में है, जो अपोजिशन का रोल है वो था आवाम के इश्यूज़ को लेके चलना, वो उससे तो निकल ही नहीं रहे, वो तो जलसों के लिए धमकियाँ दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर बिजली महंगी है, गैस महंगी है, तो इसका खान साहब से भी कोई ताल्लुक नहीं है।